फर्जी कॉल्स, सेक्स टॉर्नर्स और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का खेल, जिसमें आम लोगों को ठगने वाले अब राजनीति के दिग्गजों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस बार साइबर क्राइम के शातिर खिलाड़ियों ने केंद्रीय मंत्री को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री को सेक्सटॉर्शन की कॉल, मिनी जामताड़ा से ब्लैकमेलिंग का जाल, कोशिश बेकार, शिकारी हो गए शिकार। राजस्थान के भरतपुर जिले का मेवात इलाका साइबर क्राइम की दुनिया में मिनी जामताड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ क्राइम करने वाले रोज नए तरीके आजमाते हैं। देश के कई राज्यों के लोग इनके शातिर पने का शिकार होते हैं। इसमें आम लोगों से लेकर अच्छे खासे पढ़े लिखे अधिकारी तक फंस जाते हैं। फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के जरिए आम लोगों को ठगने वाले अब राजनीति के दिग्गजों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से जुड़ा है। कुछ अज्ञात लोगों ने केंद्रीय मंत्री को सेक्सटॉर्शन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन सांसद की सतर्कता और जागरूकता के कारण उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया। जब सुख के क्षणों में था तब एक कॉल मेरे पास में आई और उसमें जो कन्वर्सेशन थे, गलती उसने की कि उसने वो फोटोग्राफ 3 सेकंड का डाल दिया मुझे, तो मैंने उसको इमीडिएट फॉरवर्ड कॉपी किया, इसे डिलीट ना कर दे, कॉपी करके हमने उसको फॉरवर्ड किया। हमारे ऑफिसर ने जो क्राइम ब्रांच दिल्ली के ऑफिसर्स हैं उनको ये सूचना दी। मेवात क्षेत्र के बदमाशों ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को पहले व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जैसे ही कॉल अटेंड किया गड़बड़ी समझ गए। उन्होंने तुरंत दिल्ली क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी दी। मामले की सूचना मिलते ही तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई। क्राइम ब्रांच टीम ठगों के फोन की लोकेशन ट्रेस कर भरतपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राज्य मंत्री को कॉल करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री से सेक्सटॉर्शन कर ठगी करने की कोशिश करने वाले आरोपियों की पहचान जुरहेरा के निवासी मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब के रूप में हुई है। और उन्होंने आकर कार्रवाई की और नंबर तो 24 घंटे में ट्रेस कर लिया, लेकिन मुझे पता चला है कि कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री ने क्राइम ब्रांच को धन्यवाद देने के साथ ही आम लोगों से अपील भी की, अगर उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी की कोशिश होती है तो बिना डरे और बिना देरी के पुलिस को जानकारी दें, ताकि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से कहता हूँ जी, ऐसे मामलों में बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए जी, बजाय इसके कि आप डर जाएं। और अक्सर मैं जो सुनता हूँ, और शायद उसको पता नहीं रहा होगा कि गलत जगह डायल हो गया, तो वो मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए। फिलहाल पकड़े गए आरोपी ब्लैकमेलिंग गिरोह से जुड़े हैं। बहरहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज 18 के साथ। न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।